नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शेफाली और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सीबीसीएस, जो कि लगातार आप सभी के एग्जामिनेशन में कॉन्टिन्यूअसली लास्ट मंथ में भी और अभी जो करंट एग्जाम चल रहा है उसमें भी पूछा जा रहा है। तो 21 सितंबर को एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भी ये टॉपिक आया था। इसके अलावा 20th को भी आया था और आगे अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी इस टॉपिक के पूछे जाने के हाई चांस है और आपकी तरफ से क्वेरी भी आ रही थी, इसलिए हमने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर भी एक क्लियरली क्रक्स में सेशन होना ही चाहिए। तो फटाफट से ये समझेंगे सीबीएसई का कंसेप्ट, हालांकि इसके अलावा इसके पहले भी मैंने इस कंसेप्ट को ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस करके रखा है हायर एजुकेशन की क्लास में और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में, बट फिर भी एक रिवीजन ले लेते हैं और कुछ करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस टॉपिक से जुड़ा हुआ। इसके पहले जितने भी मैंने आप लोगों को क्लासेस कराई है, सारे प्ले लिस्ट में आप जा करके चेक कर सकते हो। पेपर वन की यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, स्ट्रक्चर क्लास आपको एक जगह मिल जाएगी। एनटीए यूजीसी ने 2022 के नाम से पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप जाकर के पूरी क्लासेस को चेक कर सकते हो। मतलब एक एक यूनिट के ऊपर में 10-10, 12-12 क्लासेस, डिटेल क्लास आप लोगों को मिल जाएंगी। सोशल मीडिया हैंडल जहां भी एक शॉप फॉलो कर लेंगे, लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर सेशन आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो। तो समझते हैं सीबीसीएस क्या है। तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन आ रहा है आप एग्जामिनेशन में, वो एजर्शन और रीजन के फॉर्म में, साथ में स्टेटमेंट के फॉर्म में आ रहा है। ठीक, तो कंसेप्चुअली आप लोगों को स्ट्रॉन्ग होना होगा ताकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आप कर सके। तो सबसे पहले इसको समझिए कि सीबीसीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो सीबीसीएस का फुल फॉर्म है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो फुल फॉर्म से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है, किसने इसको लागू किया है। इसको लागू किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिनका आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाने वाले हो। नेट का भी एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, यूजीसी कराती है। सीबीसीएस को भी कौन लेके आया है, यूजीसी लेकर के आई है। ये कैसा अप्रोच है, ये कैसा कोर्स है, देखिए इसमें आप लोगों को एक चॉइस दिया जाता है कि आप अपने अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर सके। तो ये स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच हो गया, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को कहीं ना कहीं फ्रीडम होती है और स्टूडेंट को ध्यान में रख करके, उनको केंद्र में रख करके उनको ये सुविधा दी गई है, इसलिए हमने उनको बोल दिया स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच या स्टूडेंट सेंट्रिक कोर्स बोल दिया, जहां पे अलाउ किया जाता है स्टूडेंट्स को कि अपने हिसाब से सब्जेक्ट को यानी कि विषय को आप चूज कर सकते हैं। जब आप उच्च स्तरीय शिक्षा लेना चाहते हैं तो उस समय आपको यहाँ पे ये फ्रीडम दिया गया है। अब ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये बेसिक से एडवांस लेवल के होते हैं। अभी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेसिक से एडवांस लेवल होते हैं या बेसिक टू मॉडरेट लेवल होते हैं, या सिर्फ बेसिक लेवल होता है या सिर्फ एडवांस लेवल होता है। तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि फुल फॉर्म एक समझ लिया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किसने किया है, यूडीसी ने किया है, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, क्या किया जाता है इसमें, स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है कि वो अपने सब्जेक्ट्स को, अपने विषय को चूज कर सकते हैं, उनका चयन कर सकते हैं। सब्जेक्ट कौन से होते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल के सब्जेक्ट होते हैं। और जो आपका एक पुराना कन्वेंशनल मार्किंग सिस्टम था, यानी कि आप लोगों को पहले मार्क्स दिया जाता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 नंबर का आपका पेपर है तो आपको 20 नंबर दे दिया गया या आपको 25 नंबर दे दिया गया, तो ये एक कन्वेंशनल मार्किंग सिस्टम को हटाया गया और इसको हटा करके अब जो आपकी मार्किंग की स्कीम रखी गई या सिस्टम रखा गया वो क्रेडिट के फॉर्म में रखा गया। अब आपको कैसे क्रेडिट मिलता है इसको आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसको याद रखिए कि जो आपका कन्वेंशनल मार्किंग सिस्टम था उसको हटा करके सीबीसीएस के सिस्टम के अंदर में क्रेडिट सिस्टम को रखा गया, इसीलिए इसका फुल फॉर्म भी क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो सिस्टम कौन सा फॉलो करता है, क्रेडिट सिस्टम फॉलो करता है। अभी जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है हायर एजुकेशन के अंदर में, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। देखिए आप यहाँ पे एजरेशन और रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए इन कंसेप्ट को, इन स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट निकाले हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा सीबीसीएस से तो यही टॉपिक, यही लाइन टू लाइन आपको चीजें मिलने वाली है। तो हायर एजुकेशन में आपको सीबीसीएस के माध्यम से क्या मिल रही है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन मिल रहा है। क्यों, ताकि अपने करिकुलम यानी पाठ्यक्रम को, पाठ्यक्रम का मतलब जो पाठ आपको क्रम में पढ़ना है वो आप अच्छे तरीके से, बढ़िया ढंग से प्रिपेयर कर सके। इसके अलावा ग्रांट किया जाता है क्रेडिट आप लोगों को, ताकि कोर्स की जो इंटेंसिटी है या जितने भी घंटे आपने कोई पढ़ाई करी हुई है उसके हिसाब से आपको क्रेडिट अलॉट कर दिया जाता है। अब 4 साल का कोर्स है, आपने 2 साल कोर्स किया हुआ है, 2 साल आप किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो 2 साल का पढ़ाई क्या आपका वेस्ट माना जाएगा, नहीं। जितना आपने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है
जितने 1 घंटे आपने पढ़ाई करी हुई है उसके हिसाब से आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा, ताकि भविष्य में अगर आप किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहे या सेम कॉलेज में पढ़ना चाहे, कोई और कोर्स करना चाहे, तो आपके पास में एक बैकग्राउंड हो कि आपने 2 साल कहीं पढ़ा है, भले ही वो कंप्लीट हुआ है या वो नहीं हुआ है, तो क्रेडिट के फॉर्म में वो आपके पास में स्टोर रहता है। इससे क्या हुआ, इससे हेल्प मिली स्टूडेंट्स को ताकि वो परस्यू कर सके मल्टीपल कोर्सेज को अपने अपने चॉइसेस के हिसाब से, अपनी खुद की गति से, पेस का मतलब हुआ गति, अपनी गति के अनुसार वो लर्न कर सके, एक्स्ट्रा कोर्सेज को पढ़ सके और एक्वायर कर सके अधिक से अधिक नॉलेज को, साथ में क्रेडिट्स को एक्वायर कर सके। अधिक क्रेडिट का मतलब हुआ अधिक नॉलेज, अधिक ज्ञान। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, आपको ये चीज समझ में आ गया कि आपका जो कोर्स है इसमें आपको चॉइस मिलती है, चॉइस अगर है तो आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये एक फीचर हो गया। दूसरा फीचर ये हुआ कि बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ आप बढ़ सकते हैं, यानी कि बच्चा चाहे तो बेसिक से एडवांस लेवल तक के विषय को चूज कर सकता है। मतलब अगर आप बीटेक कर रहे हो तो बीटेक के साथ में आप ह्यूमैनिटीज का यानी कि बीए का कोई सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको दे दी गई है। या आप चाहे तो कॉमर्स का कोई आप सब्जेक्ट उठा करके पढ़ सकते हो, आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया गया। इससे क्या मिला, इससे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिल गया। और मोटिवेशन इसलिए भी मिला क्योंकि आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट को गेन करने का चांस भी मिल गया। ये एक बात, लर्नर यहाँ पे सीखने लगे क्या, जॉब ओरिएंटेड स्किल्स, ऐसे स्किल्स को वो सीखने लगे जिसके लिए वो कहीं के मेंटली प्रिपेयर है या जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में वो अपना आगे करियर देखना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कॉमर्स में कुछ चीजें हैं जो आप समझना चाहते हो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमर्स की चीजें सीखना चाहते हो और आप कर रहे हो कोर्स बीए का या आप कोर्स कर रहे हो बीटेक का, तो पहले आप ये नहीं कर पाते थे ना, आपको बीटेक करना तो 4 साल बीटेक करना है, बीए करना है तो 3 साल आपको बीए करना है, बट नहीं, सीबीएसई सिस्टम के आने के बाद में अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में जो कि कॉमर्स का जुड़ा हुआ विषय है आप उसमें दक्ष होना चाहते हैं, तो आप उसको इसके साथ में मर्ज करके चूज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर फ्रीडम दे दी गई। ठीक, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करने लगे कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज को चूज करने लगे, यानी कि अधिक से अधिक विषयों को, अलग अलग विषयों को यहाँ पर मर्ज करके चूज करके पढ़ने लगे। क्रेडिट का सिस्टम है ही है, आपको क्रेडिट ट्रांसफर कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आप किसी ए नाम की यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा या ए नाम के कॉलेज से आपने पढ़ा, फिर आपने बी नाम के कॉलेज में आपका जो है तबादला हो गया, मतलब चेंजेस हो गया, तो आपका जो क्रेडिट आपने ए में अर्न किया है वो आपका सेम एज इट इज वैसे ही रहेगा, बी में जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो उस बी में वो ट्रांसफर हो जाएगा, तो उससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सहूलियत मिली। अच्छा, इनका जो मार्किंग का सिस्टम था वो इन्होंने क्या किया, सीबीसीएस इज अ स्टेप टुवर्ड्स मूविंग अवे फ्रॉम न्यूमेरिकल मार्किंग सिस्टम, इन्होंने नंबर सिस्टम को बिल्कुल हटा दिया, मतलब 10 में से 5 नंबर देगा, 10 में से 6 नंबर देगा, इसको कंप्लीटली हटा दिया, इन्होंने लेटर ग्रेड रखा। अब लेटर ग्रेड क्या आगे देखेंगे, इससे सवाल भी बन रहे हैं। देखिए सीबीसीएस सिस्टम बच्चों को क्या क्या ऑफर करता है, 3 तरीके के कोर्सेज को ऑफर कर रहा है, 3 टाइप ऑफ कोर्सेज, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कोर कोर्स, जो बच्चे को करना ही करना है, क्रक्स है, स्टूडेंट को ये कंपलसरी है कुछ सब्जेक्ट को लेकर के चलना, कुछ सब्जेक्ट को लेकर के मतलब उसमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अगर आप बीटेक कर रहे हो तो बीटेक के कुछ सब्जेक्ट उसमें होने चाहिए। और फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया वैकल्पिक कोर्स का, वैकल्पिक कोर्स मतलब कुछ ऐसे सामान्य जेनरिक कंटेंट, जेनरिक कंटेंट का मतलब हुआ सामान्य कंटेंट, जिससे कि बच्चे की स्किल यहाँ पर इंक्रीज हो सके, स्टूडेंट थोड़ा सा एक्सपोज हो सके अपने सब्जेक्ट के अलावा, कुछ ऐसे करिकुलम, ऐसे पाठ्यक्रम को पढ़ सके जो कि उनके विषय का हिस्सा नहीं है वो पढ़ना चाहते, तो उनको ये फ्रीडम दे दिया गया कि भाई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आप अपने रुचि के हिसाब से कुछ सब्जेक्ट को या कुछ कोर्स को आप इलेक्ट कर सकते हो, ये एक बात होगी। इसके अलावा तीसरा होता है फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन कोर्स का एक और नाम है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, इसमें बच्चे के अंदर में वैल्यू एड करने के लिए कुछ कोर्सेज डिजाइन किए जाते हैं, जिससे कि उनका नॉलेज का इन्हांसमेंट हो सके, बढ़ सके, मतलब उनकी वैल्यू, मूल्य को किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, उसलिए फाउंडेशन कोर्स किया गया। जैसे कि पीछे आपने पढ़ा कि बेसिक से एडवांस लेवल के कोर्स होते हैं, अलग अलग कोर्स होते हैं, कोर कोर्स हो गया, इलेक्टिव कोर्स हो गया, फाउंडेशन कोर्स हो गया, इस प्रकार के जो वैल्यू बेस्ड सब्जेक्ट कोर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो ग्रैप कर सके, क्या ग्रैप कर सके, अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी लॉन्ग रन के लिए। तो आप वोकेशनल डिग्री ले सकते हैं, मतलब आप कुछ प्रोजेक्ट वर्क बढ़िया कर सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा इन सारे कोर्सेज में क्या क्या आपको मिलता है, जो आपने पीछे कोर्स पढ़ा, तीनों कोर्स माने आपने क्या पढ़ा, कोर, इलेक्टिव, फाउंडेशन, इसमें आपको लेक्चर मिलेगा, ट्यूटोरियल्स मिलेगा, लैब के कुछ करने के लिए काम मिलेंगे, कुछ फील्ड में करने के लिए काम मिलेंगे, कुछ एक्टिविटीज भी मिलेंगी, प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा, आपको वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगी, वोकेशनल का मतलब हुआ व्यवसायिक, व्यवसायिक ट्रेनिंग मिलेगी, व्यवसायिक का मतलब जो चीजें व्यवसाय से जुड़ी हुई हो,
है ना, जिससे कि आप आगे जॉब ले सके। तो उनसे जुड़ी आपको ट्रेनिंग मिलेगी, वाइवा आपको देना होगा, कुछ सेमिनार्स वगैरह कराए जाएंगे, कुछ टर्म्स के पेपर होंगे, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, प्रेजेंटेशन, सेल्फ स्टडी, ये सारी चीजों का मिश्रण इन कोर्सेज में आप लोगों को मिल जाता है। अब यहाँ पे मेथड कौन सा फॉलो होता है इवैल्यूएशन का, यानी कि अभी जैसे आपने सीबीसीएस के थ्रू एडमिशन लिया या ये पूरा सिस्टम नया फॉलो आया, तो आपकी मार्किंग कैसे होगी, मूल्यांकन कैसे होगा, प्रश्न पत्र कैसे आएंगे, आपको नंबर कैसे दिया जाएगा, इसमें इन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर के चले आए। मतलब यूजीसी बोलती है कि भाई अब हम इस तरीके से आप लोगों का मूल्यांकन करेंगे कि अगर आपको भारत के बाहर भी कहीं पढ़ना हो तो आप यहाँ के मार्किंग के हिसाब से बाहर भी आपको पढ़ने में आसानी हो, इसीलिए हमने एक यूनिवर्सल मेथड को अपना लिया जो कि सिर्फ ना इंडिया के स्तर पे बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे फॉलो किया जाता है। ठीक, हमने ग्रेडिंग मेथड को इसमें अपना लिया। तो ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम को हटा करके हमने क्या किया कि भाई इंटरनेशनल स्तर पे आपकी पढ़ाई की वैल्यू हो, इसलिए हमने एक ऐसा मेथड को यूज किया जो कि इंटरनेशनल स्तर पे भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और कॉलेज वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? ग्रेडिंग मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अब ग्रेडिंग मेथड में क्या होता है, तीन तरीके का आपका सिस्टम होता है सीबीसीएस के अंतर में। यूजीसी ने गाइडलाइन दिया है कि अगर आपको बच्चे को अब मार्किंग देना है, नंबर देना है, तो पहले आप 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर 100 अगर नंबर का परीक्षा है तो 70-80 नंबर आप देते थे, अब ऐसा आपको नहीं करना है। आपके सामने तीन तरीके का सिस्टम है, आप कोई भी सिस्टम अपना सकते हैं या एक से अधिक सिस्टम आप अपना सकते हैं। क्या सिस्टम है? यूजीसी कहती है कि भाई 9 तरीके का यहाँ पर लेटर ग्रेड, ग्रेड और ग्रेड पॉइंट सिस्टम है, जिसमें कि उन्होंने ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी पी एफ ए बी ये मान के रखा है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म देखिए ये लिखा हुआ है। ओ का मतलब हो गया आउटस्टैंडिंग, ए प्लस का मतलब हो गया एक्सेलेंट, ए का मतलब हो गया वेरी गुड, बी प्लस का मतलब हो गया गुड, बी का मतलब हो गया अबव एवरेज, सी का मतलब हुआ एवरेज, पी का मतलब पास है बच्चा, एफ का मतलब बच्चा फेल है, ए बी का मतलब बच्चा परीक्षा में बैठा ही नहीं, एब्सेंट है। अब इसको उन्होंने ग्रेड पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। ग्रेड पॉइंट का मतलब अगर आपको ओ मिला हुआ है तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको 10 ग्रेड पॉइंट मिला हुआ है, ए प्लस है तो 9 है, ए है तो 8 है, बी प्लस है तो 7 है, बी का है तो 6 है, अगर सी मिला है तो 5 मिला है, पी मिला है तो 4 मिला है, अगर एफ और ए बी है तो हम 0 मान के चलेंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, आप पीडीएफ से एक बार पढ़ लेंगे। इतनी बात समझ में, सामान्य सी बात थी, कंसेप्ट समझ में आ गया, बिल्कुल हिंदी में शुद्ध हिंदी में हमने पढ़ लिया। अब करेंगे कुछ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करेंगे, चारों क्वेश्चन का आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, और जो इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं वो जरूर से बताएंगे कि 4 में से उनके कितने क्वेश्चन सही बने, और वो आंसर जरूर से करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई जरूर से करेगा कि इस कंसेप्ट को आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत दुविधा हुई हुई या नहीं हुई, अगर हुई तो कहां हुई ये आप बताएंगे। सीबीसीएस का फुल फॉर्म क्या है? पहला प्रश्न, चॉइस बेस्ड सेंट्रल स्कीम, ये बिल्कुल नहीं है, हमने जस्ट अभी इसका फुल फॉर्म पढ़ा है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, यही हो जाएगा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये कौन से सिस्टम को फॉलो कर रहा है? क्रेडिट के सिस्टम को फॉलो कर रहा है। बच्चों को क्या दी जाती है? चॉइस, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बाकी और ऑप्शन पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो गया क्या? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ऑफ इंडेक्स ग्रेजुएट लेवल इंक्लूड्स व्हाट? अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आपको कौन कौन से यहां पर कोर्सेस अवेल कराता है, हमने जस्ट अभी पढ़ा। अगर आप भाई चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कौन कौन से कोर्स मिलते हैं? 3 तरीके के कोर्स मिलते हैं, हमने अभी पढ़ा कौन से वो कोर्स थे। कोर कोर्स था, ठीक है, बात सही है, कोर कोर्स था। एक इलेक्टिव कोर्स था, बिल्कुल सही है, एक इलेक्टिव कोर्स था। तीसरा एक फाउंडेशन कोर्स था, जिसका एक और नाम था एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, जो मैंने आपको बताया पीछे, ये बात बिल्कुल सही है। एनवायरमेंट एजुकेशन कोर्स, ऐसा कोई कोर्स हमने नहीं पढ़ा। इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स, ऐसा कोई कोर्स हमने नहीं पढ़ा। तो ए और ए बी सी, ये तीनों कोर्स कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मिलते हैं चॉइस करने के लिए। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ए बी सी ओनली, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन सिस्टम प्रोवाइड्स चॉइस फॉर स्टूडेंट टू सेलेक्ट देयर प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, इसमें से कौन सा मूल्यांकन प्रणाली यानी कि इवैल्यूएशन सिस्टम आपको ये चॉइस देता है, यानी कि स्टूडेंट को ये चॉइस देता है कि वो कोर्सेस में से चयन कर सकते हैं। सेमेस्टर एग्जामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा कि ये जो सुविधा है आपको अपने हिसाब से कोर्सेज को चूज करने के लिए, ये सीबीसीएस देता है, यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम देता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किंडरगार्टन, तो भाई ये छोटे बच्चों का सिस्टम है, और वो भी किंडरगार्टन है, गार्डन नहीं। परसेंटेज सिस्टम का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, ये तीनों ऑप्शन गलत है, सही ऑप्शन हो जाएगा सीबीसीएस। हमने जस्ट अभी पढ़ा कि भाई इसमें आप लोगों को सुविधा मिलती है कि प्रिस्क्राइब कोर्स में से आप चूज कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आखिरी प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, चौथा प्रश्न,
चॉइस बेस्ड ट्यूरिंग सिस्टम अलाउज स्टूडेंट टू चूज विच ऑफ द फॉलोइंग। सवाल में पूछ रहा है कि CBCS के माध्यम से बच्चों को यहाँ पे अलाउ किया जाता है कि आप चूज कर सके, क्या चूज कर सके। ये ऑप्शन है यहाँ पर, पहला बोल रहा है इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेस, बिल्कुल ठीक है कि आप अलग अलग डिसिप्लिन की कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज और इंट्रा डिसिप्लिनरी कोर्सेज का मतलब ये हुआ, इंटर का मतलब हुआ दो, मतलब आप दो अलग अलग विषय, यानी कि आप बीटेक के साथ में आप सॉरी बीटेक ये कैसा ये पेन हो रहा है बीटेक के साथ में आप बीए के कोर्स को चूज कर सकते हैं। इंटर का मतलब हुआ दो, दो का मतलब द्वैत, डायडिक कम्युनिकेशन में भी हमने पढ़ा है इंटर कम्युनिकेशन इंट्रा कम्युनिकेशन पढ़ा है ना, तो इंटर का मतलब क्या हुआ दो, तो दो कोर्सेज को आप अपने हिसाब से मर्ज करके पढ़ सकते हो, चूज कर सकते हो, ये हमने अभी पढ़ा, ये बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इंट्रा डिसिप्लिनरी का मतलब ये हुआ कि बीटेक में ही बहुत सारे इनके अलग अलग कोर्सेज होंगे, आपको उसमें भी स्वतंत्रता है, आपको कोई बाध्य नहीं है कि आपको वही चार कोर्स पढ़ने हैं, वही चार विषय पढ़ने हैं जो कॉलेज ने आपको बोल दिया, नहीं आप बिल्कुल भी तरीके से बात दे नहीं हो। बीटेक के अंदर में भी अगर आपको कोई और वोकेशनल ट्रेनिंग करनी है, वोकेशनल कोर्स करना है तो आप कर सकते हो। तो इंट्रा होगा इंटर होगा ये दोनों ही होगा। अगला बोल रहा है स्किल ओरिएंटेड पेपर्स, बिल्कुल सही है, स्किल ओरिएंटेड पेपर का मतलब ये हुआ कि वोकेशनल पेपर्स आप ले सकते हो, वोकेशनल ट्रेनिंग आप ले सकते हो, यानी कि व्यवसाय संबंधित जॉब ओरिएंटेड स्किल्स को आप ले सकते हैं, स्किल ओरिएंटेड पेपर्स को आप ले सकते हो, तीनों ही हो जाएगा इसमें। ओपन बुक एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का आपकी CBCS से मतलब नहीं है। कैटलॉगिंग सर्विसेज, कैटलॉग का भी कोई भी मतलब नहीं है, कैटलॉग का मतलब ये होता है कि मल्टीपल तरीके का, जो आप जैसे रेस्टोरेंट में जाते होंगे या कहीं अगर आप कोई सर्विस लेने जाते होंगे तो वो कौन कौन से सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं उसका कैटलॉग देते हैं आपको, तो वो इस उसका उस सर्विस से इस टॉपिक से कोई मतलब नहीं है, ये मतलब इररेलेवेंट ऑप्शन यहाँ पे था। तो ना डी होगा ना ई होगा, ए बी सी हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये चार क्वेश्चन आपने किया, इसी प्रकार के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आ रहा है, कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, नहीं समझ में आया तो वापस एक बार और पढ़ लेना। सोशल मीडिया हैंडल जहां भी इच्छा हो फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम के इसी लिंक पे आपको उस क्लास की PDF भी मिल जाएगी, डाउनलोड करके पढ़ लेना। सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते लाइक करके जाना, शेयर भी करना औरों के साथ में, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहती है। पैशनेट बनिए, अपना मोटिवेशन होइए मत, बी योर ओन मोटिवेशन। 9 बजे हमारी क्लासेस चलती है डेली बेसिस पे, और आज भी हमारी क्लासेस होती, करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव क्वेश्चंस पेपर 1 के। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन गेट सक्सेस। कोई और टॉपिक है जिसमें आपको समस्या हो रही है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, मैं वेट कर रही हूँ। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट इन गेट सक्सेस।